कि सफलता की ओर जो है हम लोग भी सरकार को मदद करते रहते हैं और सफलता के लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते रहते हैं। जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, शराब की अवैध व्यवसाय करने वाले लोग हैं, अचानक उनका मनोबल बढ़ गया है। उनके जो मद निषेध विभाग के जो पदाधिकारी हैं और पुलिस के जो कुछ पदाधिकारी लोग हैं, ये लोग समानांतर जो है सरकार चला रहे हैं अवैध शराब के कारोबार के लिए। वो मद निषेध विभाग में जो लोग अभी नियुक्त हुए हैं और समानांतर इस व्यवस्था को चलाने वाले जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उनकी संपत्ति को अगर जांच किया जाए, उनकी संपत्ति को अगर जांच के दायरे में लाया जाए तो इनके अवैध कारोबार का पता लगेगा। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद बिहार में शराब की सप्लाई धड़ल्ले से हो रही है और ऐसे में ताजा मामला बिहार से सामने निकल के आया, सीतामढ़ी का मामला है जहां पर बाजपट्टी क्षेत्र में 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। बिहार में शराबबंदी कानून जिस तरीके से लागू है इसको लेकर अब बिहार की सियासत गरमाई हुई है, तमाम विपक्ष में बैठे नेता सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए वीरेंद्र कुमार हैं। बता दें आपको कि लगातार जो है कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है, ऐसे में आज हम पहुंच गए भाजपा विधायक वीरेंद्र कुमार जो कि रोसरा से विधायक हैं उनके पास जुड़ेंगे, बात करेंगे। वीरेंद्र जी, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, 5 मौत हो गई है, बाजपट्टी घटना, सीतामढ़ी की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, कैसे देख रहे हैं इस घटना? इससे पहले भी घटना हुआ था सिवान में और छपरा में, कई सारे लोग जो है जहरीली शराब पीने से मरे थे। उस समय हम लोग अपने प्रतिपक्ष के नेता माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में वहाँ गए और प्रशासन पर काफ़ी दबाव बनाने का काम किया। सरकार पर दबाव बनाने के बाद जो है कुछ दिन तक इस तरह की व्यवस्था से जो है बिहारवासियों को राहत मिली थी। इधर आकर के फिर जब से यह जो है शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है, उसके बाद क्या हो गया है, खास करके अपराधियों और जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, शराब की अवैध व्यवसाय करने वाले लोग हैं, अचानक उनका मनोबल बढ़ गया है। लेकिन अब किया जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून सफल है, सफलतापूर्ण बिहार, देखिए सफलता की ओर जो है हम लोग भी सरकार को मदद करते रहते हैं और सफलता के लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते रहते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में घटना जो सामने आ रही है इसमें कहीं ना कहीं उनके जो मद निषेध विभाग के जो पदाधिकारी हैं और पुलिस के जो कुछ पदाधिकारी लोग हैं, ये लोग समानांतर जो है सरकार चला रहे हैं अवैध शराब के कारोबार के लिए। अगर इनकी कारोबार को, अवैध कारोबार को देखा जाए तो मद निषेध विभाग में जो लोग अभी नियुक्त हुए हैं और समानांतर इस व्यवस्था को चलाने वाले जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उनकी संपत्ति को अगर जांच किया जाए, उनकी संपत्ति को अगर जांच के दायरे में लाया जाए तो इनके अवैध कारोबार का पता लगेगा। बेतहाशा वृद्धि हुई है ऐसे लोगों की संपत्ति में। तो समय पहले आपने गोपालगंज का नाम लिया, छपड़ा का नाम लिया, फिर से आपके बीजेपी के पूर्व विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से गोपालगंज है, गोपालगंज में अब जहरीली शराब पीने से फिर से मौत हुई है 5 लोगों की, ऐसे में आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। देखिए सर, आंकड़ा तो छुपाई जाती है, यह सही बात है। एक दो लोग अगर जहरीली शराब पीने से अगर उनकी मौत होती है, वो मरते हैं, तो प्रशासन इसको दबा देने का काम करती है, उसको स्वाभाविक मौत बता करके जो है इस पर पर्दा डाल दिया जाता है। नेता 5-5 बता रहे हैं, 5-5 मौत हुआ है। हाँ, घटना तो घटती है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ पर जो है शराब का कारोबार नहीं चल रहा है। जहाँ खास करके जो है जहाँ मजदूर समाज के लोग रहते हैं वहाँ तो अवैध शराब बनाया जाता है और सरकार के संरक्षण में बनाई जाती है। वहाँ के चौकीदार जानते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, सब लोग जानते हैं, और ऐसे लोग खास करके पुलिस महकमा में भी बैठे हुए कुछ लोग उन लोगों के साथ बैठ करके शराब पीते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल रहेगा आपसे, लखीसराय की घटना आप भी जानते होंगे, प्रेम प्रसंग का मामला है, ऐसे में 6 लोगों को गोली मारा गया है, लगता है कि 5 लोगों की मौत भी हो गई है। यह तो दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य जी। अगर नाबालिग लड़की घर से भागी थी और उस समय उस पर FIR हुआ था और प्रशासन कठोरता से अगर जांच करती और जो लोग लड़की को भगाने का काम किया उस पर कार्रवाई होती तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। जनता राज बताते हैं नीतीश कुमार, क्या जनता राज है बिहार?
अब जनता राज है, अब सब लोग देख रहे हैं, जनता राज सामने दिखना भी चाहिए। जंगल राज आ गया है फिर जी, जंगल राज आ गया बिहार में, व्यवस्था तो उसी ओर जा रही है। देखिए वीरेंद्र कुमार हमारे साथ थे, बीजेपी विधायक है रोसड़ा से, ऐसे में जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे या साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि पूरे तरीके से पुलिस प्रशासन विफल है। ऐसे में जो मद निषेध की टीम है वो भी पूरे तरीके से विफल है। इस वजह से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है धड़ल्ले से, और ऐसे में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है। जांच का विषय बनता है, जिस तरीके से तमाम जगहों पर मौत हुई है ऐसे में जांच की मांग कर रहे थे वीरेंद्र कुमार। वहीं साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से जंगल राज कहीं ना कहीं वो फिर से एक बार बिहार में आ गया है, जनता राज बिहार में नहीं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ मरण है पटना सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।